हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन कम्बशन एंड फ्लेम. इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वाज कोल एंड पेट्रोलियम वी हैव स्टडीड अबाउट फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस एंड एलपीजी. वी गेट हीट ऑफन अकम्पनीड बाय लाइट ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल. जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई मिलती है. We use different kinds of fuels for various purposes at homes, in industries and for running automobiles. हम अलग अलग तरह के फ्यूल यूज़ करते हैं घर में, इंडस्ट्रीज़ में और ऑटोमोबाइल्स में. We use coal, kerosene and LPG as fuel at our home. घर में हम केरोसिन, एलपीजी या कोल यूज़ करते हैं. कोल, कोक एंड सीएनजी आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़. कोल, कोक और सीएनजी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं और ऑटोमोबाइल्स में हम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी यूज़ करते हैं. वी नो दैट सम सब्सटेंसेस बर्न एंड सम डू नॉट बर्न एट ऑल. हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस तो जलने लगते हैं लेकिन कुछ सब्सटेंसेस बिल्कुल नहीं जलते. सम सब्सटेंसेस लाइक कैंडल एंड वुड बर्न विद अ फ्लेम. कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ जलते हैं. वेयर एज सम सब्सटेंसेस लाइक कोल डू नॉट बर्न विद अ फ्लेम. अगर हम कोल को जलाएं तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती. कम्बशन. इन चैप्टर 4 वी हैड परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी इन विच द मैग्नीशियम रिबन वॉज हीटेड ओवर अ बर्नर. हमने एक लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैग्नीशियम रिबन को एक बर्नर के ऊपर जलाया था. इट वॉज बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था और हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई थी. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. हम सेम एक्टिविटी चारकोल के साथ भी कर सकते हैं. वेन वी होल्ड अ पीस ऑफ चारकोल विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ बुनसन बर्नर वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर. हम क्या देखते हैं कि चारकोल बर्न होता है एयर में प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. ये भी लाइट और हीट को प्रोड्यूस करता है. वॉट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू एक्टिविटीज़. दोनों में क्या सिमिलैरिटी है. हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तब भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई. हमने चारकोल को जलाया तब भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई. इट मीन्स ये दोनों ही कम्बशन है. व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स हीट इज रिलीज्ड एंड समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस. जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है और कभी कभी लाइट भी प्रोड्यूस होती है. केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट दैट मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस. लाइट का प्रोड्यूस होना जरूरी नहीं है. इज कॉल्ड कम्बशन. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड चारकोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्बशन. अगर हम बर्निंग कर रहे हैं मैग्नीशियम की या चारकोल की तो ये किसका एग्जाम्पल है. ये है कम्बशन का एग्जाम्पल. सिंस बोथ गिव हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग दस मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल इन नेचर. तो जो सब्सटेंसेज बर्निंग करने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं और अगर लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं. लाइट का प्रोड्यूस होना जरूरी नहीं है. अगर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज. लेकिन कुछ सब्सटेंसेज हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज. इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट लाइट मस्ट बी प्रोड्यूस इन कम्बस्शन. नाउ कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज. वी कैन कैटेगराइज ऑल द सब्सटेंसेज इन टू कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज. द सब्सटेंसेज दैट बर्न ईजिली इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट दैट मे और मे नॉट बी प्रोड्यूस आर कॉल्ड कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज. ऐसे सब्सटेंसेज जो जलने पर हीट प्रोड्यूस करते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज कहलाते हैं. और द सब्सटेंसेज दैट डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज. जैसे कि स्टोन है, मेटल्स हैं, ब्रिक्स हैं, सीमेंट है. इसको हम जला नहीं सकते. इनको अगर हम हीट भी करें तो ये जलेंगे नहीं, हीट नहीं प्रोड्यूस करेंगे. तो ये सब्सटेंसेज नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज कहलाते हैं. मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, एलपीजी, कुकिंग गैस, वैक्स, कोल, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन एंड डीजल आर ऑल्सो कम्बस्टिबल सब्सटेंसेज. नाउ द टाइप्स ऑफ कम्बस्शन.
Depending upon the conditions under which combustion takes place, there are three types of combustion: rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले है rapid combustion. When a combustible substance burns at a rapid rate, अगर हम किसी फ्यूल को जलाते हैं और वो तेजी से जलने लगता है, producing a very large amount of heat and light in a short period of time, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, then it is called rapid combustion. For example, cooking gas LPG starts burning immediately when a burning matchstick is brought near it. जैसे ही हम एक जलती हुई माचिस की तीली को कुकिंग गैस के पास लेकर आते हैं तो वो एकदम से जलने लगती है. It produces heat and light. Burning of wax candle is also an example of rapid combustion. Second is spontaneous combustion. When a combustible substance burns on its own without the help of any external heat, it is called spontaneous combustion. किसी चीज़ के अंदर heat produce होना, किसी चीज़ का जलना, लेकिन without any reason, हमने माचिस की तिली नहीं लगाई, हमने उसके पास कोई भी heating object नहीं रखा, तब भी अगर कोई चीज़ जलने लगे अपने आप से, then it is called spontaneous combustion. Burning of white phosphorus, fire in coal mines and forest fire are examples of spontaneous combustion. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अपने आप से जलने लगती हैं, जैसे white phosphorus होता है वो लैब में रखा होता है और अपने आप से अगर हमारे आउटसाइड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 35 डिग्री से अबव हो जाता है तो वो अपने आप से फायर को कैच कर लेता है, जलने लगता है. तो ऐसे कम्बशन को हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहते हैं. थर्ड इज एक्सप्लोजन. When a combustion reaction occurs suddenly with the evolution of a large amount of gases, heat, light and sound, यहाँ पर sound भी produce हो रही है और बहुत ज़्यादा amount में gases produce हो रही हैं, then it is called explosion. For example, when we light firecrackers, जब हम पटाखे चलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम माचिस की तिली से या कैंडल से उसको बर्न करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारी हीट, बहुत सारी लाइट, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है और इससे हमारा जो फायर, जो क्रैकर्स हैं वो बस्ट हो जाते हैं. ये हमारा एग्जांपल है एक्सप्लोजन का.